अब फिर हम बात करेंगे थर्मोरेगुलेशन मैन की। मैन जो है वो क्योंकि मैमल्स में आता है और मैमल्स सारे के सारे एंडोथर्म्स हैं बैट्स के एक्सेप्शन के साथ, तो ह्यूमंस भी फिर एंडोथर्म्स हैं। ठीक है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट होता है, बिल्कुल परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होता लेकिन एक वही नैरो रेंज में होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली हो सकता है। ठीक है, और अब ये अब मसलन आप अगर चले जाएं बर्फानी किसी इलाके में, किसी ग्लेशियर के ऊपर, सियाचिन के ऊपर जाके आप बैठे हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि बाहर एनवायरनमेंट बहुत ठंडी है और आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है और वो हीट धड़ाधड़ एनवायरनमेंट में लूज हो रही है, उसके बावजूद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, ज्यादा रिएक्शंस चलाने पड़ेंगे, तो हाई मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रखना पड़ता है, तो फिर जाकर आप अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रख सकते हैं। ठीक है जी, तो आप 24 घंटे एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो खुराक आप दिन में 3 दफा खाते हैं वो बॉडी में 24 घंटे चलती है, राउंड द क्लॉक चलती है, और वो आपको डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने के काबिल बनाती है आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी, और उसकी वजह से फिर आपकी मैमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी से मुराद है कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के मैमल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उनकी वाइड है, यानी कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मसलन सहराओं में भी रहते हैं, नदी नालों में भी रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं, बर्फानी इलाकों में भी रहते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर रह सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हीट गेन और हीट लॉस को बैलेंस करना पड़ता है, ये थर्मोरेगुलेशन के शुरू में ही हमने बात की थी। ठीक है जी, तो हीट प्रोडक्शन जो है वो दो तरह से हो सकती है, यानी कि जिस वक्त आपको सर्दियों में सर्दी लग रही होती है तो उस वक्त आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होती है, और उस वक्त दो तरीके से थर्मोजेनेसिस हो सकती है। थर्मोजेनेसिस, जेन का मतलब होता है पैदाइश, बनना, बनाना, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग के जरिए से, कपकपी के जरिए से हीट जनरेट करना शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाता है। इस दौरान एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जो मसल्स को कहता है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करो, और मसल्स आपकी बॉडी के जो बड़े मसल्स हैं यानी आपका बाजुओं के, टांगों वगैरह के मसल्स हैं, ये तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और उसकी वजह से मसल्स के बनने और टूट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के दौरान बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ये अगले चैप्टर के अंदर जाके हम बात करेंगे, तो वो एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फिर हीट जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से बॉडी थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, आपको कब कभी 5-10 मिनट चढ़ती है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में एक और तरीका कार भी है, इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि इसमें भी हीट तो प्रोड्यूस होती है लेकिन शिवरिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, और ये कैसे होती है, ये होती है आपके थायराइड हार्मोन के जरिए से, थायराइड ग्लैंड आपके गले में पाया जाता है, और जिस वक्त ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर फैल जाता है और तमाम सेल्स को जाकर कहता है कि मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ा दें। ठीक है, तो जब आपको सर्दी लग रही हो, मतलब अचानक से आपको सर्दियों में उठा के ठंडे पानी से नहला दिया जाए, तो उस वक्त फिर आपकी बॉडी में ये दोनों मैकेनिज्म तकरीबन चलेंगे, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो रही होगी और थायराइड ग्लैंड भी अपने हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और जब सेल्स ज्यादा एटीपी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आप गर्म हो जाएंगे। ठीक है, बाज मैमल्स जैसा कि बैट्स के अंदर एक खास किस्म की चर्बी पाई जाती है, इसको कहते हैं ब्राउन फैट। ठीक है, ये ब्राउन फैट बड़ी स्पेशल है, इसके पास एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, बाकी सारा कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये जरूरत पड़ने पर एकदम से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है। फिर एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से निकालना भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये तो पहले हमने बात की कि थर्मोजेनेसिस के जरिए से हीट प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन जब एक्स्ट्रा हीट हो जाए, मसलन इस वक्त है कि आप अचानक से पंखा बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो पहले हवा की वजह से हीट लॉस हो रहा था, अब वो हीट लॉस बंद हो जाएगा, अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बॉडी को गर्म कर देगी। अब
उस एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से कैसे निकालना है, उस एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से निकालना है एक्सपोज्ड सरफेसेस के जरिए से। एक्सपोज्ड सरफेसेस कौन सी हैं? आपकी स्किन है, तो स्किन के जरिए से बॉडी की हीट को बाहर निकालना, इसको कहते हैं डिसिपेशन ऑफ हीट। ठीक है, तो स्किन मेजर थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है हमारा, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स के जरिए से हम ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कि स्किन की तरफ ब्लड ने जाना है या स्किन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, और इसी तरह फिर स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड भी पाए जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड भी फिर जरूरत पड़ने पर हम उनसे स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपरेट होते हुए बॉडी में से या नीचे जो ब्लड फ्लो कर रहा है उससे वो हीट चुरा कर और भाग जाते हैं, और उसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। अब ये जो ब्लड फ्लो की रेगुलेशन है, इसमें दो फिनोमेना आते हैं, इनको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का फर्क पेपर में कई दफा पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो वेजो या वेजा कहते हैं वेसल को, और कंस्ट्रिक्ट कहते हैं सुकड़ने को। ठीक है, तो जिस वक्त सर्दी होती है उस वक्त स्किन की वेसल सुकड़ जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, जब डायमीटर कम होगा तो वहां पे ब्लड भी कम आएगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के जरिए से ब्लड फ्लो स्किन की तरफ कम कर दिया जाता है। खास तौर पे आपकी उंगलियां, पांवों की उंगलियां, ऐसे इलाके कान जहां से या नाक जहां से आपके हीट जो है वो आसानी के साथ लॉस हो सकती है, उन इलाकों में ब्लड सप्लाई को रोक दिया जाता है ताकि ज्यादा हीट जाया ना हो। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन स्किन के अंदर होती है जब आप ठंडे इलाके में मौजूद, उसके मुकाबले में जब आप गर्म इलाके में होती हैं तो उस वक्त वेजो डायलेशन होती है। वेजो का मतलब ब्लड वेसल, डायलेशन मतलब फैल जाना। तो डायमीटर ब्लड वेसल्स का बढ़ जाता है, जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है तो वहां पर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम वेजो डायलेशन कहते हैं। जब वो बढ़ जाता है डायमीटर, स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी के दरमियान से मसलन दिल की तरफ से जो ब्लड आ रहा है वो गर्म होता है, और जब वो आपकी स्किन में पहुंचता है तो वहां पर वो अपनी हीट को डिसिपेट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, फिर एक और तरीका का जो इस्तेमाल होता है, लेकिन चले ह्यूमंस के अंदर इतना ज्यादा इफेक्टिव अब नहीं रह गया, वो है फर रेजिंग। फर कहते हैं आपकी जो स्किन, मतलब बिल्ली आपने देखी हुई है या दूसरे ऐसे जानवर देखे हुए हैं तो उनके अंदर उनके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, इन बालों को फर कहते हैं। और आपने देखा है लोमड़ियां और रीछ और इस तरह के दूसरे जानवर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में सर्वाइव करते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि वो फर रेज कर सकते हैं। ये जो बाल हैं, हर बाल के नीचे एक खास किस्म का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जो जरूरत पड़ने पर उन बालों को अकड़ा देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सर्दी में फिर वो उन बालों के दरमियान में हवा रुक जाती है, फंस जाती है, और वो रजाई की तरह काम करती है, इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, बॉडी से हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देती। ठीक है, तो जो ठंडे इलाकों में जानवर रह रहे हैं वहां पे फर रेजिंग एक इंपॉर्टेंट तरीका कार है। उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिजम्स ठंडे पानी में रहते हैं वहां पर एक मसला और बन जाता है कि स्किन के साथ वाटर इन टच होगा तो वो पानी, बर्फ अगर वहां पे जमी हुई है पानी के अंदर तो वो बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसी सूरत में पानी की से बचने के लिए बॉडी क्या करती है कि बॉडी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट जमा कर लेती है। मसलन आपने वॉलरसेस और सील्स या डॉल्फिन्स या वेल्स वगैरह को देखा होगा जो ठंडे पानी में रहती हैं, तो उनकी स्किन जो है वो बड़ी स्मूथ सी फील होती है। ठीक है, वो स्मूथ क्यों फील होती है, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे काफी ज्यादा फैट जमा हुई हुई है, और फैट बहुत अच्छी इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब कि वो हीट को एस्केप नहीं होने देती, तो वो हीट लॉस से बचाती है। मरीन मैमल्स में स्पेशली बहुत ज्यादा होती है, और मरीन मैमल्स के अंदर इस एक्स्ट्रा फैट को ब्लबर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर इवेपोरेटिव कूलिंग, पहले बात कर ली है, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है।
तो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए आप एवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड फैला देते हैं, उस स्वेट ग्लैंड से स्वेट फैला देते हैं, स्वेट के अंदर पानी है, पानी जब एवेपोरेट होता है तो वो बहुत सारे वाटर के हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, ठीक है। तो एस्केपिंग वेपर जो है वो हीट को लेकर भाग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बाज ऑर्गेनिज्म पैंटिंग करते हैं, पैंटिंग कहते हैं मुंह खोल के हांफने को, ठीक है। और इस दौरान में जो मुंह या सांस की नालियां हैं वहां से पानी एवेपोरेट होता है, थूक वगैरह एवेपोरेट होता है, और उसकी वजह से फिर जो है एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। डॉग्स और बर्ड्स के अंदर ये कॉमन तरीकाकार है। इसी तरह बाज ऑर्गेनिजम्स मसलन बैट्स हैं, तो वो अपने ऊपर थूक लगाती रहती हैं हाथों पांवों के ऊपर, या अपने ऊपर क्योंकि वो उल्टी लटकी हुई होती हैं तो अपने ऊपर यूरिन फेंकती हैं, और उसकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर, जब वो यूरिन या सलाइवा एवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड ह्यूमंस में या दूसरे मैमल्स के अंदर वो हीट को एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, ये हम बात करेंगे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन है, यानी कि बॉडी को मेंटेन करने में ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है जो बॉडी की हीट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर भी करता है और फिर उसको एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर रखने में हेल्प करता है। ये थर्मोस्टैट जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्चुअली ब्रेन का एक पार्ट है, और ये बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्मोस्टैट के तौर पे हाइपोथैलेमस काम करता है और ये डिटेक्ट कर सकता है कि कब बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और इसके अंदर एक सेट पॉइंट लगा हुआ है। थर्मोस्टैट आपने अगर देखा हो तो वो जो इस्त्री के ऊपर एक डायल लगा होता है, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ होता है, उसको थर्मोस्टैट कहते हैं, और उसके ऊपर आप पॉइंट फिक्स कर देख सकते हैं कि जी इस्त्री जो है वो इस वक्त 4 के ऊपर रहनी है, या जिस तरह आपके एसी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ होता है कि जी रूम का टेम्परेचर 26 रखना है या 16 रखना है, तो वो थर्मोस्टैट होता है उसके अंदर, ठीक है। थर्मो टेम्परेचर स्टैट मींस फिक्स्ड, एक ही जगह पर रहना। तो थर्मोस्टैट के जरिए से बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर थर्मोस्टैट का सेट पॉइंट जो है वो जो उसके ऊपर आपने सेट किया हुआ है वो 37 है। अब 37 से जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो भी हाइपोथैलेमस को पता लग जाएगा, और 37 से जब कम होगा तो भी हाइपोथैलेमस को पता लगेगा, ठीक है। तो जिस वक्त हाई टेम्परेचर होता है तो स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये आपने याद करें तो हमने बात की थी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की, तो ये वही वाली तीनों चीजें हैं कि वहां पे रिसेप्टर्स थे, एक कंट्रोल सेंटर था और एक इफेक्टर था। तो रिसेप्टर स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, और इफेक्टर्स की आगे बात आ जाती है मसल्स और ग्लैंड्स हैं। तो जब टेम्परेचर बॉडी का हाई होने लगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगे, तो स्किन के अंदर पाए जाने वाले थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, और वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। नतीजे में क्या होता है, हाइपोथैलेमस स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवा देता है, दोनों काम मिलकर फायदा क्या देते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, हीट स्किन की तरफ जाती है ब्लड के जरिए से, और स्वेट जो है वो जब इवेपोरेट होता है तो वो हीट बॉडी से दूर निकल जाती है, आपको ठंडक का एहसास होता है। उसके मुकाबले में जिस वक्त आप ठंडे टेम्परेचर में होते हैं, आपको सर्दी लग रही हो, तो उस वक्त स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि स्किन का टेम्परेचर लो हो गया है, और वो हीट लॉस को फिर रोकने की कोशिश करते हैं, और वो सारे मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करते हैं जिनसे हीट कंजर्व की जा सके, हीट को रोका जा सके। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी दो रास्ते हैं, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है स्किन की ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के जरिए से वो यहाँ पर स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होती। दूसरा, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस शुरू हो जाती है, यानी कि एक तो आपको कपकपी चढ़ेगी कुछ देर, और दूसरा
नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी. नॉन शिवरिंग से मुराद है कि वो थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे. ठीक है जी. फिर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ही एक साल छोड़ के एक साल आती है, ये है पायरेक्सिया या फीवर. पायरोटेक्निक्स अगर आपने सुना हुआ है तो पायरो का वर्ड जहां पे भी आएगा उससे मुराद होता है फायर. पायरेक्सिया जिस तरह फायर का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसी तरह आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं. पायरेक्सिया वक्ती तौर पर बॉडी के रेज्ड टेम्परेचर को कहते हैं. ये वक्ती तौर पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, इस कंडीशन को हम फीवर भी कहते हैं. ठीक है. अब ये होता क्यों है? ये होता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के दौरान. जब आपको कोई इन्फेक्शन हुई हो आपकी बॉडी में तो उसके नतीजे में आपके बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है और बैक्टीरिया वायरसेस या व्हाइट ब्लड सेल्स तीनों ही ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको पायरोजेंस कहते हैं. पायरो मतलब के हीट या आग, वैसे तो आग के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे इनडायरेक्टली टेम्परेचर के लिए है. पायरोजेन जो फीवर पैदा करते हैं. ठीक है. ऐसे केमिकल्स जो फीवर पैदा कर सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस भी इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स भी इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इनकी वजह से जो बॉडी का सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो वक्ती तौर पे बढ़ जाता है और वो 98 डिग्री से थोड़ा सा 103-104 तक आपका बुखार जा सकता है. ठीक है जी. तो ऐसे में इम्यून सिस्टम जो है तो, मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर व्हाइट ब्लड आपकी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाते और इतनी देर में आपके इम्यून सिस्टम को मौका मिल जाता है कि वो तैयारी करे और उनके खिलाफ लड़ के उनको खत्म कर दे.